मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में हुए आपसी विवाद के चलते ईंट पत्थरों से पीट पीट कर बाप बेटे की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मंझोला थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में आज सुबह उस समय दहशत फैल गई जब एक दर्जन से ज्यादा दबंगों ने एक विकलांग के घर पर हमला बोलते हुए बाप बेटे की पत्थरों से पीट पीट कर दिन दहाड़े हत्या कर दी। दरअसल घटना हनुमान नगर में उस समय घटी जब किशन लाल के घर पर दबंग पड़ोसियों ने कुछ बाहरी युवकों के साथ मिलकर हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया। मौके पर पड़े ईंट पत्थरों के ढेर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला किस हद तक किया गया था। इस हमले में किशन लाल और उसके बेटे राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। डबल मर्डर की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित पक्ष की महिला ने मंझोला थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। इस डबल मर्डर में एक बॉडी घर के अंदर तो दूसरी बाहर पड़ी हुई मिली। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन मृतक की बेटी ने मंझोला पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उसके अनुसार घटना के काफी देर तक उसे थाने में बिठाकर रखा गया। डबल मर्डर की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुरादाबाद एसएसपी अमित पाठक भी घटना स्थल पर पहुंच गए और पूरी घटना का मौका मुआयना करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया कहाँ रहती हो? हनुमान नगर। क्या बात हुई थी? बात तो कुछ भी नहीं थी, अच्छे खास है। हम सुबह उठे थे, चाय पानी पी रहे थे, इससे पहले मैं ऊपर गई कपड़े लेके नहाने के लिए, तो वो मुझे गाली बक रहे थे। कौन? जो बराबर में गंगवार छोटे छोटे लड़के हैं, वो गाली बक रहे थे, नाम ले लेके तू ऐसी है वैसी है। तो मेरा भैया बोला तो मेरी बहन को गाली क्यों बक रहे यार, तो अद्धे चौके एकदम चलाने लगे वो लोग। कौन लोग? क्या नाम? गंगवार ही हैं वो लोग, ऐसे थे 15-16। बस उसके बाद शांत हो गए। जब मैंने मना करी ना, मैंने कहा लड़ाई झगड़े मत करो, कोई फ़ायदा ना है मोहल्ले के अंदर, तो ये शांत हो गए। अब मैं घर से हटी, खाना लेने आई, यहाँ खाना बटने आती है गाड़ी, मैं खाना लेने आई। उसके बाद में इन लोगों ने मेरे सामने मेरे पापा को मार चुके थे। आपने रात थाने में गई थी क्या? हाँ थाने गई थी। हाँ फिर क्या हुआ? पुलिस ने थाने में गई, मैं थाने में बिठा लिया, मुझे डेक बॉडी मेरे पीछे उठाई है इन लोगों ने, मुझे थाने में बिठा के रखा के बैठो अभी, चलो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ऐसे पूरी रात। किशन लाल राजेश। दोनों? हाँ। क्या काम कर रही है? विकलांग थे दोनों। तो आपको कैसे पता चली? मैंने कल तक घर पे आके देखा। आपके मौजूदगी में आपके सामने नहीं हुआ था? नहीं, मेरे पापा का तो मेरे सामने ही हुआ था, भाई मेरा घर पे था नहीं। अच्छा। भाई को तो मेरे बाहर मार के डाल दिया गया था। किस चीज़ से मारा था? अब ये तो नहीं पता मुझे किस चीज़ से मारा गया, सब सबूत घर पे ही पड़े हैं। तो बॉडी कहाँ है? बॉडी ले गए पुलिस वाले। कितनी उम्र होगी? 50 साल। 22 साल। जांच हम लोग कर रहे हैं, दो लोगों की ईंट लगने से मृत्यु हुई और इनकी तरफ से भी ईंट चली, दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग घायल हैं। तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी गहनता से जानकारी हमको करनी चाहिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। तो हम लोगों ने FSL वगैरह को बुलाया है, जो पत्थर एक दूसरे वहाँ पर मौके पर मिले हैं उनका पैटर्न हमको समझना होगा, क्यों घर के अंदर वाले और गली के पत्थर में हैं, क्यों पड़े हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा और जांच करेंगे, फिर आपको शायद दोबारा बताना पड़े। फिलहाल सभी जितने भी क्लूज़ हमको मिले हैं, जो बयान है, अभी मोहल्ले में कुछ लोग कम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उनसे बात करेंगे और सही घटनाक्रम क्या रहा उसको निकालने की हम लोग प्रयास करेंगे। प्रथम दृष्टिया क्या मामला आ रहा है? प्रथम दृष्टिया दो अड़ोसी पड़ोसी हैं, मकान एकदम अगल बगल है पतली सी गली में, तो उनमें दोनों में एक दूसरे ने एक दूसरे पर पत्थर चलाए हैं। तो एक जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी चोट लगी थी, लेकिन दूसरे पक्ष को भी लगी, तो ये पत्थर क्यों चले, पहला प्रश्न ये है। दूसरी बात, जो मृतक पक्ष है उसके घर के अंदर के पत्थर कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो क्या कोई घर के अंदर गया या कुछ और वजह है? तो ये सब चीज़ें अभी हमको जांच करनी चाहिए और जांच में जो भी निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। सर अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनमें से हम लोगों ने कुछ लोगों को कस्टडी में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो स्वतंत्र साक्षी यहाँ के होंगे, जो FSL की रिपोर्ट होगी और जो हमको अन्य साक्षी यहाँ से मिलेंगे, उसके हिसाब से फिर हम घटना की सही थ्योरी बना पाएंगे।